CBS ITI के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें। तो स्टूडेंट्स, इसमें मैं आपको फ्रैक्शन चैप्टर के बारे में बताने जा रहा हूं, भिन्न जिसे कहते हैं। यहां पर आप देख रहे होंगे दो संख्याएं पी बटा क्यू या 3/2 एक भिन्न के रूप में है। इन दोनों में ही पी तथा क्यू दोनों पूर्णांक होते हैं। जैसे यहाँ पर 3/2 दोनों ही पूर्णांक होंगे, मतलब दो संख्याएं जो आपस में एक दूसरे को भाग दे रही हों वो भिन्न कहलाती है। ठीक है, जिसमें ऊपर वाली संख्या को अंश तथा नीचे वाली संख्या को हर पढ़ा जाएगा। ठीक है, ये हमारी भिन्न कहलाती है और साधारण भिन्न होती है। अब है नेक्स्ट भिन्न के रूप। और भिन्न के रूप में सबसे पहले हमारा जो है, कई रूप होते हैं इसके, जिसमें पहला रूप है संक्षिप्त भिन्न, जहां अंश तथा हर परस्पर अभाज्य हो, मतलब एक दूसरे को ना काटते हों। ऊपर नीचे वाली संख्या ऊपर वाले को ना काटे, ऊपर वाली संख्या नीचे वाले को ना काटे, एक दूसरे को ना काटें, वो भिन्न क्या कहलाती है? संक्षिप्त भिन्न कहलाती है। ऐसी भिन्न में दोनों संख्याओं को सिर्फ एक अंक से ही काटा जाता है जाएगा, जैसे 1/2, 2/3 या 3/4। अच्छा, इनको बटे में पढ़ा जाता है या अपॉन करके भी पढ़ सकते हैं इंग्लिश में। सेकंड है उचित भिन्न। उचित भिन्न में क्या होता है? जहाँ पर भिन्न का अंश जो है वो हर से कम हो, मतलब अंश जो है वो हर से कम हो, हर बड़ा हो, मतलब वो क्या कहलाती है? उचित भिन्न कहलाती है। जैसे कि 2/3, इसमें 2 क्या है? छोटा है 3 से। 5/6 या 10/11, ऐसी संख्याएं क्या कहलाएंगी भिन्न में? उचित भिन्न कहलाएगी। ठीक, नेक्स्ट है अनुचित भिन्न। इसका अगला रूप अनुचित भिन्न है। इसमें उचित भिन्न का उल्टा होता है। वहाँ पर क्या होता है? अंश छोटा होता है। यहाँ पर क्या होता है? भिन्न का अंश जो है वो हर से बड़ा होता है। तो ऐसी भिन्न क्या कहलाती है? अनुचित भिन्न कहलाती है। जैसे 3/2 में अंश बड़ा है और हर छोटा है, 6/5 में अंश बड़ा है और हर छोटा है, या ऐसी संख्या भी जो बराबर हो, 7/7, ये भी अनुचित भिन्न में कहलाएगी, या 11/11, ये भी अनुचित भिन्न में कहलाएगी। दोनों संख्याएं समान हो तब भी अनुचित भिन्न के पढ़ेंगे उसको। नेक्स्ट आ जाती है मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न में भिन्न का पूर्णांक तथा एक भिन्न से मिलकर बनी हो, मतलब ऐसी संख्या साथ में अटैच्ड हो, जैसे इसमें एक भागफल के रूप में हो, भागफल जुड़ा हो, तो ऐसी भिन्न क्या कहलाएगी? मिश्र भिन्न कहलाएगी। जैसे इसमें 2 सही 1/2, इसमें कैसे पढ़ते हैं? 2 सही 1/2, तो 2 क्या है? एक भागफल के रूप में यहाँ पर ऐड हुआ है। 2 सही 1/2 या 3/3, 3 सही 3/4, ऐसी संख्याएं क्या कहलाएंगी? ऐसी भिन्न क्या कहलाएगी? मिश्र भिन्न कहलाएगी। नेक्स्ट आ जाता है मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न में क्या होता है? भिन्न के अंश तथा हर दोनों ही भिन्न के रूप में हो, मतलब ऊपर भी एक भिन्न हो और नीचे भी एक भिन्न हो, दो भिन्नों से मिलकर बनी हो, तो ऐसी भिन्न क्या कहलाएगी? मिश्रित भिन्न कहलाएगी। जैसे 2/5 के भी बटे में 6/5 है, मतलब ऊपर भी भिन्न है और नीचे भी भिन्न है, ऐसी भिन्न क्या कहलाएगी? मिश्रित भिन्न कहलाएगी। या 3/7 के बटे में क्या लिखा हुआ है? 5/6 लिखा हुआ है, ऐसी भिन्न क्या है? मिश्रित भिन्न कहलाएगी। नेक्स्ट आ जाता है व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम भिन्न मतलब इसमें क्या होता है? भिन्न के अंश तथा हर को दोनों को बदल दिया जाए, व्युत्क्रम से मतलब उल्टा कर दिया जाए एक दूसरे को, वो भिन्न क्या कहलाएगी? व्युत्क्रम भिन्न कहलाएगी। जैसे कोई भी भिन्न है 2/3 लिखी हुई है, तो उसको व्युत्क्रम में क्या कर देंगे हम? 3 ऊपर ले जाएंगे और 2 नीचे ले आएंगे, मतलब अंश को हर में पहुंचा देंगे और हर को अंश में पहुंचा देंगे, ऐसी भिन्न क्या कहलाएगी? फिर व्युत्क्रम भिन्न कहलाएगी। 2/3 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। ये भिन्न क्या है? व्युत्क्रम भिन्न में बदल जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न में वह भिन्न जिनके हर में 10 या 100 या मतलब कोई भी जीरो वाली संख्या अगर नीचे लिखी हुई है, तो ऐसी भिन्न क्या कहलाएगी? दशमलव भिन्न कहलाएगी। जैसे 1/10, 1/100, 1/
1000 या ऐसे भी लिख सकते हैं 1/20 हो, 1/50 हो, मतलब जीरो वाली संख्या नीचे आनी चाहिए, जिसके कारण क्या है ऊपर वाली संख्या में जब भाग करे तो दशमलव लग जाए, ऐसी भिन्न क्या कहलाएगी, दशमलव भिन्न कहलाएगी। फिर है भिन्नों पर संक्रियाएँ, मतलब ऑपरेशन क्या क्या है भिन्नों का, मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना। मिश्र भिन्न को क्या है, मिश्र भिन्न जानते हैं, मिश्र भिन्न कैसी होती है, दो सही जिसके साथ में भागफल लिखा हो, दो सही 3/4, तो ऐसी भिन्न को अनुचित भिन्न में कैसे बदलेंगे, अनुचित भिन्न से मतलब ऊपर वाली जो अंश होगा वो बड़ा हो जाएगा, चेंज होनी है, तो इसमें क्या करेंगे, 4 को 2 से गुणा कर देते हैं पहले, यहाँ पर जैसे 4 को ऊपर अंश में 2 से गुणा कर दी, फिर जो ऊपर वाला अंश है उसको प्लस करके ऐड कर दिया, 3 जो है उसको जोड़ दिया, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 × 2 + 3/4, तो 4 × 2 = 8 + 3 = 11/4, ये मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदल जाएगा। ऐसी अगर अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना हो तो कैसे करेंगे, 11/4 को ही अगर इसको उल्टा करें तो ये आएगा 2 सही 3/4, तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है, अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलेंगे, 17/5 है मान लिया, तो क्या करेंगे, 5 से 17 को पहले भाग करेंगे, 5 से 17 को भाग किया तो 5 × 3 = 15, बचा 2, तो ऐसी संख्या में 5 क्या है वो भाजक है, 2 क्या है भागफल है वो भाज्य है, ठीक है, और 3 क्या है वो भागफल है, ठीक है, भागफल कहलाता है। अब इसमें क्या आ जाएगा, भागफल आगे आ जाएगा और भाज्य ऊपर आ जाएगा और भाजक क्या है वो नीचे आ जाएगा, 3 सही 2/5, ये भागफल सामने आ गया और भाज्य ऊपर आ गया और भाजक नीचे आ गया, ऐसी भिन्न को क्या कहेंगे, फिर मिश्र भिन्न कहेंगे, अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना। फिर है भिन्नों का जोड़ना, भिन्नों का जोड़ना कैसा होगा, भिन्नों का जोड़ना होगा 1/2 + 3/4, मान लिया कोई भी दो भिन्न दी हुई हैं, ये 1/2 दी हुई है या तथा 2/3/4 भिन्न दी हुई हैं, तो इसमें क्या है, 1/2 को जोड़ना है 3/4 के साथ, तो 1/2 के साथ +3/4 कर दिया हमने, तो पहले क्या लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, लघुत्तम समापवर्तक लेंगे, तो लघुत्तम समापवर्तक कैसे लेते हैं, नीचे दो है दोनों संख्याओं का कोई एक वो संख्या ले लेते हैं, या तो हम 4 भी ले सकते हैं यहाँ पर, या फिर क्या करते हैं आसान रूप, दोनों की गुणा करके नीचे लिख देते हैं, दोनों की गुणा नीचे लिख दी, फिर हमारी ये जो संख्या है इधर वाली दूसरी संख्या, इस संख्या को इस संख्या के साथ पहली वाले अंश के साथ गुणा कर देंगे, फिर प्लस करके दूसरी जो अंश दूसरी वाली संख्या है उसके साथ गुणा करके ये दूसरी वाली संख्या लिख देंगे, जैसे 2 × 3, तो इनको जोड़ देंगे, 1 × 4 + 2 × 3, ये 4 + 6/8, तो 10/8 मिलाकर ये आ जाएगा, इसमें पहले एलसीएम लेना पड़ेगा, ऐसी आगे को कितनी भी संख्याएं हो उनको एलसीएम लेके करेंगे। और फिर है भिन्नों का घटाव, भिन्नों का घटाव कैसे होगा, 6/7 कोई संख्या दी हुई है 6/7 तथा 5/6, इनको क्या करना है, घटाना है, घटाना है, तो घटाने में क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह लगा देंगे घटाव का, 6/7 - 5/6, इसमें भी ऐसे ही करना है, पहले एलसीएम ले लेना दोनों की गुणा करके, 6 × 7 = 42 नीचे, फिर इस वाली संख्या को हर से गुणा कर देंगे, इस वाली संख्या को दूसरे वाले अंश को पहले वाले हर से गुणा कर देंगे ऐसे, तो ये जो है वो बाहर बीच में घटाव का चिन्ह लगा देंगे, 6 × 36 = 7, 7 × 5 = 35, ये घट के 1/42 आ जाएगा, ये भिन्नों का घटाव है। थैंक यू, नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट अध्याय में, नेक्स्ट वीडियो में, ओके।